नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर शहर के कंबू थाना इलाके में एक डेयरी संचालक को इलाके के एक व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी है। मामला यही नहीं रुका, सफेद कलर की कार से आए इस युवक ने पहले तो डेयरी संचालक की दुकान का शटर गिराया और फिर बंदूक से हवा में गोली ताक दी, जिसके बाद से डेयरी संचालक उसके परिवार दहशत में है। धमकी देने वाले और डेयरी संचालक के छोटे भाई के बीच पैसे के लेन देन का विवाद बताया गया है। मामला ग्वालियर के कंपू थाना इलाके के कोड़ीगुड़ा नाके का है, जहां पर अनिल अपने ही घर पर दूध डेयरी का व्यवसाय करता है। अनिल के मुताबिक जब वह दुकान पर पिता के साथ बैठा था, तभी इलाके में दबंगई करने वाला संतोष गुर्जर चार पहिया वाहन से उसके पास आया और कहने लगा कि अगर तुम्हारा छोटा भाई जहाँ भी मिलेगा उसे मारकर तुम्हारी दुकान में फेंक दूंगा। और यह कहते हुए संतोष ने उनकी दुकान की शटर गिरा दी और मौजूदा बंदूक निकालकर एक फायर दुकान के अंदर बाहर कर दिया, जिसके बाद से अनिल और उसका परिवार दहशत में है और पुलिस जनसुनवाई पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। अनिल का आरोप है कि बार बार मना करने के बाद भी संतोष गुर्जर ने ऊंचे ब्याज पर उसके छोटे भाई को पैसे दिए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जल्द ही मामले में कार्रवाई भी की जाएगी। ग्वालियर से खबर हरपल के लिए लक्ष्मण सेन की खबर। यह थाना कंपू का मामला है और उसकी रिपोर्ट वहाँ पे हुई है और उसमें कार्रवाई की जा रही है। दो पक्षों में लेन देन को लेके कुछ इशू है तो कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी, अब उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। मान पड़ा कर रास्ते कटा कर अभी तक पंचायत नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, उसमें क्योंकि कुछ और इशू आ रहे थे और कुछ अलग अपराध कायम कराना चाह रहे थे, तो पुलिस ने उसकी जाँच की है और उसके बाद जाँच कायम होगा उसमें।